हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 नवंबर से SSC GD का एग्ज़ाम स्टार्ट है और आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। SSC GD में एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब यहाँ पे हमको बताना है 42 के गुणनखंडों की संख्या। अब 42 का गुणनखंड कैसे करेंगे, हमने सीखा है अलजेब्रिक में, लेकिन यहाँ पे हम कैसे गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका हम क्या करते हैं, पहले LCM करते हैं। कैसे, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 21 आ गया। अब ऐसा कौन सा 2 से बड़ा नंबर है जिससे 21 कट जाएगा, तो हम देखेंगे 3 से कट जाता है फ्रेंड्स। 3 से कितने बार में, 7 बार में कटता है, और 7 किसी से नहीं कटता है, 1 बार में कटता है। अब देखिए, इसमें 3 आ गया, इसमें हमारे 3 आंसर नहीं दिया हुआ है। इसको करने का एक नियम होता है, उसको आप देख लीजिए। LCM निकालते हैं हम सभी का गुणा करके। अगर यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, पावर 1 कर लेते हैं इसको। फिर हमें क्या करना पड़ता है, सभी में 1 प्लस कर देना होता है। जो हमारे पावर होते हैं उन पावर में 1 प्लस कर देना होता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये पावर्स हैं केवल उनको लिखेंगे, 2 × 2 × 2। देखा जाए तो ये क्या है, 2 का क्यूब है। इस फॉर्म में भी आपको आंसर दे सकता है, और नहीं देगा तो फिर आपको इस फॉर्म में आंसर देगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा। दोस्तों, हमारा आंसर बी सही है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अभी हमने निकाला था गुणनखंडों की संख्या, अब हम निकालेंगे गुणनखंडों का योगफल। जो संख्या हमारी आती है उसी का हम गुणा करते हैं। कैसे निकालना है ये देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले LCM निकालेंगे, 2 से करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, अगर लास्ट में कोई सम संख्या दिया है, इवन नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से हमने किया, 2 × 4 = 8, 1 बचा, 2 × 8 = 16 हो गया। फिर हमने 2 से किया फ्रेंड, क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 हो गया। अब यहाँ से हम क्या है, 12 का टेबल भी पढ़ सकते हैं, 12 × 2 = 24 हो जाता है, और 6 × 2 = 12 हो जाता है, 2 × 3 = 6 हो जाएगा दोस्तों। फिर हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे 1 हमको लाना ज़रूरी है, फाइनल जब तक काटेगा नहीं तब तक हमको काटना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को लिखेंगे, 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5। हमने क्या किया, 5 बार 2 लिख दिया, और हमें 3 भी लिखना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1। हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 6 आ जाता है 2 की पावर और 3 की पावर 2 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे एज इट इज़ हमें इसको उतार देना है, और इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। और दोस्तों, अपॉन में क्या लिखना है, हमें सेम यही लिखना है, पावर यहाँ से हटा के जो नंबर्स है उसको हम लिख देंगे। फिर हमने क्या किया, फिर 3 के साथ भी वही करेंगे जो हमने 2 के साथ में किया था, 3 − 1। अब यहाँ पे हम 2 की पावर 6 बार में करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 64 आएगा, −1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से दोस्तों 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 2 बचेगा हमारा। आप देख सकते हैं 3 में से 1 घटाने पे 2 आता है, हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 63 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 2 5 2। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, हमारा सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज़ द राइट। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है।
अब यहाँ पे पहले वाले की तरह यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे 105 लिखेंगे। सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, हल्के में नहीं लेना है, हल्के में लेंगे तो एक नंबर हल्के में चला जाएगा आपका। हम क्या करेंगे यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर हमने क्या किया 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 35 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स 3 × 5 × 7। यहाँ पे हम 7 से भी कर सकते थे, लेकिन हमने 7 से इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका एक नियम होता है छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है पावर 1 लिखा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है। फिर हम क्या करेंगे +1 +1 सभी में +1 कर देंगे, और हम क्या करेंगे इस पावर को यहाँ से उठाएंगे और क्या करेंगे 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे गुणनखंडों की जब संख्या पूछेगा तो हमको पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है, और जब हमसे योगफल पूछता है तो हम पूरी नंबर्स को लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान से देखना है। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। पिछले क्वेश्चन में हमने गुणनखंडों की संख्या निकाली थी, अब यहाँ पे क्या करना है योगफल निकालना है। जैसा हमने दूसरा क्वेश्चन किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा। हम क्या करेंगे 100 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से किया 50 आ गया, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, और आप जानते हैं 25 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या है 2 बार आ गया, 5 2 बार आ गया। अब हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख देंगे। हमने आपको बताया था पावर में 1 प्लस करते हैं, जितना भी नंबर लिखा होगा दोस्तों सभी में के पावर में 1 प्लस करना होगा। अब हम क्या करेंगे पूरे नंबर को उठाएंगे यहाँ से, हमारा क्या हो जाएगा 2³ हो जाएगा -1, जो भी आता है उसमें से हमें क्या करना है -1 करना है। अब यहाँ से क्या उठाएंगे ये वाली संख्या, और उसमें से भी हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस इस वाले नंबर्स के साथ करेंगे 5³ और -1। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से 5 उठाएंगे और उसमें से क्या करेंगे -1 कर देंगे। 2³ दोस्तों 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ से हम देखेंगे 5³ क्या होता है दोस्तों 125, 125 में से 1 घटाएंगे तो 124 आ जाएगा। नीचे क्या है 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से 3 बार में 12 कट गया, एक संख्या है 4 × 4। अब हम क्या करेंगे हमारा 31 × 7, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कभी कभी दोस्तों इस फॉर्मेट में भी आंसर दे देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या करेंगे 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 और 7³ 217 फ्रेंड्स हमारा देखेंगे हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।